एक गांव में राजा था जो काफ़ी दुष्ट था। सारी प्रजा उससे काफ़ी डरती थी। राजा का एक हाथ, एक पैर और एक आंख नहीं थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी डरावना लगता था। राजा ने सोचा, अब मुझे अपने बेटे को राजा बना देना चाहिए। राजा ने सोचा, अपने बेटे को राजा बनाने से पहले मैं अपनी एक बड़ी सी तस्वीर बनवा लेता हूँ और इसे महल में लगवा दूँगा, ताकि मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे ना भूलें। राजा ने अपने राज्य के सबसे बेहतर चित्रकारों को बुलाया और कहा, जो मेरी सबसे बेहतर तस्वीर बनाएगा मैं उसे इतनी दौलत दूंगा कि उसकी 10 पुश्तें भी उस दौलत को नहीं खर्च कर पाएंगी। साथ में राजा ने ये भी कहा, जो कोई मेरी सुंदर तस्वीर नहीं बना पाएगा उसे मौत की सज़ा दे दी जाएगी। मौत का नाम सुनते ही सारे चित्रकार डर गए और किसी ने भी हिम्मत नहीं की कि राजा की तस्वीर बना सके, क्योंकि बदसूरत राजा की सुंदर तस्वीर बना पाना बहुत मुश्किल था। बड़े से बड़े चित्रकारों ने मना कर दिया, लेकिन एक चित्रकार ने सोचा, यही सबसे अच्छा मौका है अपने आप को सफल बनाने का। उस चित्रकार ने तस्वीर बनाई जिसे देखकर राजा बेहद खुश हुए और बाकी सभी चित्रकार देखते रह गए। चित्रकार ने राजा की तस्वीर दिमाग लगाकर कुछ इस तरह बनाई कि राजा घोड़े पर शिकार कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी एक आंख बंद है और उनका टूटा हुआ हाथ और पैर भी घोड़े के दूसरी साइड होने की वजह से छुपे हुए हैं। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है, लोग खराब सिचुएशन में दिमाग लगाने की बजाय पीछे हट जाते हैं और उन्हें कभी कुछ बेहतर नहीं मिल पाता। अगर आपके जीवन में ऐसी कोई भी खराब परिस्थिति है तो समझ जाइए, इसमें बहुत ही बड़ा मौका छिपा हुआ है। यकीन मानिए, खराब परिस्थिति में जो व्यक्ति दिमाग लगा लेता है उसे जीवन की सबसे बड़ी सफलता मिलती है, क्योंकि अगर आपको अपनी खराब परिस्थिति को संभालना आ गया तो आप बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से सफल होने लगेंगे। कभी हार मत मानिए। अमेरिका के 500 से अधिक अमीर लोग ये दावा करते हैं कि उन्हें सफलता उस वक्त मिली जिस वक्त वे लगभग हार चुके थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके एक और कदम आगे बढ़ाया और उन्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी सफलता मिली। अगर आपके जीवन में मुश्किल है, परेशानी है, तो हार मत मानिए, आप सफलता के बेहद करीब हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।